हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो सेक्शंस थे उन सेक्शन में 38 सेक्शन से लेके 41 तक जो बताया गया है उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स क्या कहते हैं? आप जो भी इंडस्ट्री में सेफ्टी रखते हैं वो कहीं ना कहीं एक हेल्थ के लिए भी तो रखते हैं ना, ताकि आपके यहाँ जो भी होने वाले एक्सीडेंट्स हैं उनसे या जो भी वर्क चल रहा है उनकी वजह से किसी की भी हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसीलिए तो ये सब किया जाता है ना। तो सेक्शंस के अकॉर्डिंग भी यही बताया गया है कि आपके यहाँ होने वाले जो वर्क हैं उनमें हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आपके क्या हैं, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स आप क्या कर रहे हैं उनमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो पहला जो इसमें बताया गया है उसमें है अंडरस्टैंड द रिस्क। ठीक है, अब कोई भी वर्क चल रहा है वर्क प्लेस पे, जॉब वर्क प्लेस पे क्या क्या वहाँ हैजार्ड हैं, ठीक है, और उनसे क्या क्या इंजरी हो सकती है, क्या क्या इलनेस हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ऑक्यूपेशनल डिसीजेज़ भी हो जाती हैं लोगों को वर्क प्लेस से। तो हमें इन्हीं पर ध्यान रखते हुए हमें जानकारी होनी चाहिए पूरी पूरी कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उनमें क्या क्या हैजार्ड है, कितनी रिस्क है और कितनी इंजरी और इलनेस हमें हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही कह रहा है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है रिस्क कितना है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग 38-41 सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं, तो जब क्या हुआ था, जब ये सेक्शन बने थे उससे पहले क्या होता था, बस काम चल रहा होता था और कोई भी वर्कर के लिए ऐसे कुछ भी, मतलब उनके लिए खुद के लिए, उनके खुद के लिए कोई भी सेफ्टी के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था, कैसे क्या काम चल रहा है कोई ध्यान नहीं देता था, बस वर्क होना चाहिए पूरा। तो इसीलिए ये सेक्शन बनाए गए कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सेक्शंस जब बनाए गए तो उनके अंदर यही आया कि जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिर क्या किया गया कि जो भी हेल्थ है हेल्थ इंस्पेक्टरों ने रखना शुरू किए, हेल्थ को लेके सेफ्टी इंस्पेक्टर रखना शुरू किए, ऑफिसर्स रखना शुरू किए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा एक HSE डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया, पूरे एक सेफ्टी कमेटी तैयार की, जिससे क्या उन्हें बेनिफिट्स मिले, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल होना शुरू हुई और साथ ही जो भी काम है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को पता चला कि इस तरीके से हम इन चीज़ों के लिए सेफ्टी रख सकते हैं। फिर क्या हुआ इसके लिए, फिर पहले क्या होता था, नॉर्मली आप लोग देख सकते थे और जैसे कि आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें एजुकेशन भी आई, इसके लिए कोर्सेज भी आए, अब ये कोर्सेज इंजीनियरिंग कोर्सेज तक आ चुके हैं। ठीक है, तो क्यों ये सब किया गया, क्योंकि जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे होने वाले एक्सीडेंट्स जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हम कैसे डिक्रीज करें, तो इसके लिए जितनी ज़्यादा डीप से डीप हमें नॉलेज होगी तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो सेक्शन 38-41 है उसमें यही कुछ बताया गया था कि आप कैसे वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। फिर उसमें पहले क्या हुआ, डिप्लोमाज आए कि आप सेफ्टी डिप्लोमा कर लीजिए, इनके अंदर सभी यही चीज़ें बताते हैं कि आप इस तरीके से ये वाला वर्क चल रहा है ऐसे JSA बनाएं, ऐसे SOP बनाएं, इस तरीके से काम करें, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट एड्स क्या आप लेंगे पहले, तो ये सारी चीज़ें बताएगी, हैजार्डस मटेरियल आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हैंडलिंग उनकी कर सकते हैं, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, ये सारे उन सभी चीज़ों से पता लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट ये आया वर्क प्लेस पे स्ट्रेस जो है, होने वाला स्ट्रेस जो उस पर कैसे कंट्रोल हो, तो इसके लिए हमें याद रखना चाहिए उन जो भी वर्कर है उस पर वर्कलोड कितना जा रहा है, कितने आवर वो वर्क कर रहा है, उसको किस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं वो डिप्रेशन में जा रहा है, काम करते वक्त कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जिनकी वजह से डिफ़िकल्टीज हो रही हैं फिर भी वो वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये ड्यूटी है सेफ्टी ऑफिसर की, सेफ्टी सुपरवाइज़र की, कि वो चेक करे, सारी चीज़ें चेक करे, जो भी मशीनरी पे वर्क चल रहा है अगर उससे सामने वाले वर्कर को दिक्कत हो रही है तो उसे नोट डाउन करे और ये इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो अपने इंजीनियर से जाके कंसल्ट करे। ठीक है, ठीक है, तो टेक रेगुलर ब्रेक्स, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, ब्रेक्स लेने से क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, वर्क जो कर रहे हो उसमें दिमाग ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे और अगर दिमाग अच्छे से लगाएंगे तो होने वाले छोटे छोटे एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी वर्क अगर आप फ्रस्ट्रेशन में करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ ख़राब होती है और वर्क प्लेस पर ऐसा होता है उन चीज़ों के ख़राब होने की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। तो यही चीज़ बताई गई है, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्टॉपिंग और ट्विस्टिंग। कोई भी इक्विपमेंट है, आप वर्क कर रहे हैं तो उसको केयरफुली वर्क करना। ऐसा ना हो कि आप जो भी वर्क एरिया पे काम कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स को रीअरेंज कर रहे हैं, जो भी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उसको खुद ही हैंडल करें, ठीक है। साथ ही कोशिश करें कि मैकेनिकल एड्स आप यूज़ करें, जैसे कि कोई भी भारी सामान है तो उसको लिफ्ट करने की वजह, कैरी करने की वजह आप क्रेन की यूज़ करें, फॉर्कलिफ्ट का यूज़ करें, व्हील बैरो का यूज़ करें, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करें, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें, ठीक है। तो मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल एड्स जो हैं वो आपके हेल्प करते हैं सारे हैवी मटेरियल्स कैरी आउट करने में। अगर आप खुद कैरी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको इससे कोई नुकसान ना हो, आपके बैक पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सेम इसमें प्रोटेक्ट योर बैक, यही बताया गया है। ज़्यादातर देखा जाता है कि हैवी लोड्स की वजह से क्या होता है, बैक पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई हमेशा याद रखें कि लिफ्ट्स यूज़ करें, है ना। और अगर आप लिफ्ट नहीं यूज़ कर पा रहे उस समय पे, मान लीजिए, तो जो लोड है उसको अपनी बॉडी के इतने क्लोज़र होना चाहिए, और जब आप उसे उठा रहे हैं तो एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन से अगर आप उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी मसल्स टाइट रहेंगी, और जब वो ठीक से आप कंट्रोल करके उसको उठा रहे हो सामान को, तो आपके बैक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि कोई भी वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हो तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप खुद को पहला बचाना चाहते हैं तो अगर आप PPEs भी पहन लेते हैं तो बहुत हद तक आप हर एक एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और साथ ही कोशिश करें कि अपने वर्क प्लेस पर कभी भी अल्कोहल ड्रग्स का यूज़ ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होंगी, साथ ही वर्क प्लेस के लिए भी, क्योंकि ऐसा करके अगर आप वर्क करते हैं तो वो ठीक से नहीं होगा और साथ ही एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही जब भी आप कोई हजार्डियस वर्क देखते हैं, हजार्ड मटेरियल देखते हैं, तो आपको इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए अपने मैनेजर से, अपने हेड से, जिससे कि वो क्या कर सकें, अपने एम्प्लॉयर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें कि जो भी वर्क चल रहा है उसे सेफर वो रख सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी आपको सेफ रखना है अपने वर्किंग प्लेस का, तो आप जहाँ भी कभी भी ऐसा एक्सीडेंट्स वाला अनसेफ एक्ट देखते हैं, अनसेफ कंडीशन देखते हैं, तब आप ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखें तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जाके बतानी है, अपने ऊपर जाके बताना है कि ऐसी चीज़ हमने देखी है, ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आप ये कंसल्ट करेंगे, बताएंगे, तो क्या होगा, उसके लिए सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा तो वो एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही लास्ट पॉइंट है, ये जो सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया था, नो योर राइट्स, आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए। कोई भी वर्क प्लेस पे हैं आप, आपका क्या राइट है, क्या क्या आप कर सकते हैं, उन सारे राइट्स को प्लीज़ यूज़ करें। ऐसा ना हो कि ये काम खराब हो रहा है, होने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी आपके राइट्स हैं, प्लीज़ उनको फॉलो करें। अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं, कोई अनसेफ एक्ट देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, तो प्लीज़ उसे तुरंत इन्फॉर्म करें। इससे क्या होगा, होने वाले एक्सीडेंट से तो आप बच सकते हैं और साथ में और लोगों की लाइफ भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये सारे टॉपिक, ये जो पॉइंट हैं मैंने सेक्शन के अकॉर्डिंग बताए, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स के सेक्शन 38 to 41 के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू।